दोस्तों किसी भी मोबाइल को कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं मोबाइल को समय समय पर अगर आप अपडेट करोगे तो कभी भी हैंग नहीं करेगा हमेशा नया जैसा रहेगा ना कभी स्लो चलेगा यहां तक कि गेम खेलते समय आपको अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे तो अपने मोबाइल को समय समय पर अगर आप अपडेट करोगे कई लोगों के फोन में अपडेट आ जाता है पर अपडेट ही नहीं करते अब भाई अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करोगे ना तो भाई आपका फोन हैंग तो करेगा ही करेगा उसके साथ साथ वायरस भी आ जाएगा और आपका फोन स्लो हो

यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपडेट्स अवेलेबल यहाँ पे उन्नीस अपडेट्स पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट जो भी आपका फोन में एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ अपडेट ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल अपडेट कर सकते हैं अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एक एक करके तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे एक करके कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हमारा होना शुरू हो गया है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फोन के अप्लीकेशन का अपडेट कर लेंगे यहाँ पे आके प्ले स्टोर में उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट कैसे करेंगे वो अब हम आपको बताते हैं उसके लिए दोस्तों आपको आपको करना क्या होगा आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर आ जाना है जब आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर आएंगे दोस्तों तो तो उसके बाद तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन डाउन करना है जब करेंगे पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर अपडेट इस सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पे दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सर्चिंग होने लगेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि दोस्तों आपके फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है सिस्टम अपडेट के नाम से भी सेटिंग देखने को मिले अगर नहीं मिलेगा तो सर्च बार होता है सर्च बार पे आप करके खोज खोजिएगा तो यहां पे लिख रहा है डेट। हमारा फोन ऑलरेडी अपडेट है अगर आपका फोन अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट बताएगा दो सो जिम्बी पांच सौ एम बी एक जीबी दो जी बी जितना का अपडेट बताएगा उतना आपको इंटरनेट डेटा रिचार्ज कर लेना है नहीं तो वाईफाई है तो ठीक है उसके बाद यहाँ फ्यूचर पर आपको क्लिक करना है जैसे आप फ्यूचर पर क्लिक करेंगे आपका फोन ऑलरेडी अपडेट होना शुरू हो जाएगा ठीक है और अपडेट होने के बाद आपका फोन स्विच ऑफ होगा उसके बाद ऑन हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फोन के अपडेट कर लेना है सेटिंग में आकर अपने फोन का सॉफ्टवेयर का अपडेट कर लेना है और प्ले स्टोर में जाकर अपने फोन का अप्लीकेशन का अपडेट कर लेना है तो दोस्तों हम दोनों सेटिंग बताए क्योंकि हम सबके फोन के अंदर दो तरह का अपडेट होता है दोनों अपडेट हम आपको अप इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखा दिया अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए बाय बाय टाटा मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो